मोबाइल टैरिफ की दरें बढ़ने के बाद से देश भर में मोबाइल यूजर्स की संख्या में कमी दर्ज हुई है, लेकिन इस दौर में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सर्कल में मोबाइल ग्राहक बढ़े हैं। यह बात ट्राई की रिपोर्ट से सामने आई है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दिसंबर 2019 के लिए टेलीफोन सब्सक्राइबर्स के आंकड़े जारी किए हैं। इस दौरान मोबाइल फोन की कॉल दरें बढ़ने से देश भर में मोबाइल यूजर्स की संख्या में कमी आई है, लेकिन ट्राई के मुताबिक नवंबर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 7.46 करोड़ थी, जो दिसंबर 2019 में 2.33 लाख बढ़कर 7.49 करोड़ हो गई है। जहां तक टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात है तो एमपीसीजी सर्कल में दिसंबर 2019 में रिलायंस जियो ने 4.66 लाख ग्राहक जुड़े हैं। वहीं एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में 1.39 लाख की कमी आई है। पूरे देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 115.4 करोड़ से घटकर 115.1 करोड़ हो गई है। दिसंबर 2019 के महीने में ग्राहकों की संख्या में 31.5 लाख की कमी देखी गई है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक एमपीसीजी में वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल के ग्राहकों में भी कमी आई है। ट्राई के वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के लिए टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू मार्केट शेयर के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। ट्राई के मुताबिक तीसरी तिमाही में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्किल में जियो की आय 1,183 करोड़ रुपए रही, वहीं वोडाफोन आइडिया की आय 651 करोड़ रुपए रही। एयरटेल ने तीसरी तिमाही में 513 करोड़ रुपए कमाए। ट्राई के रेवेन्यू मार्केट शेयर के आंकड़ों के हिसाब से भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जियो 49% के साथ पहले स्थान पर है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।